क्या उत्तर प्रदेश के चौथे चरण में होने वाली है बीजेपी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा? क्या बीजेपी अपना 2017 का परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएगी? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज रिमेंबर इफ द बीजेपी इज एबल टू रिपीट इट्स परफॉर्मेंस ऑफ 2017 देयर इज नो स्टॉपिंग द पार्टी बट इन केस द बीजेपी लूजेस ग्राउंड हियर इट कुड गेट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. अब देखिए सीटों के हिसाब से आपको बताती हूं, यहां पर तकरीबन 59 सीट्स हैं जिसमें से 17 में 51 यानी कि 51 सीटें भाजपा के पास हैं. तो भाजपा ने यहां पर 2017 में बहुत कमाया है और इसीलिए यह चरण उसकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है. जिलों की बात करते हैं, पीलीभीत जहां पर 4 सीटें हैं और चारों ही चारों सीटें भाजपा के पास हैं. लखीमपुर में 8 out of 8 भाजपा के पास है. फतेहपुर में 6 में से 6, लखनऊ में 9 में से 8, रायबरेली में 5 में से 2, उन्नाव में 6 में से 5, सीतापुर में 9 में से 7, हरदोई में 8 में से 7. तभी यहां पर बीजेपी की इस समय मुश्किलें बढ़ रही हैं. और अगर भाजपा, जैसे मैंने कहा, अपना परफॉर्मेंस रिपीट कर पाती है तब तो उसको आगे के चरणों में दिक्कत नहीं होगी. लेकिन जिस तरह अभी ये कहा जा रहा है कि पहला चरण जो ज्यादातर एक जाट बेल्ट था उसमें गठबंधन की लहर थी, दूसरा वाला जो चरण था जिसमें माइनॉरिटी वोट्स की बात हो रही थी वो भी ये कहा जा रहा है कि वो ज्यादातर गठबंधन के पास गया है, तीसरे चरण में कहा जा रहा है कि जिस तरह बीजेपी की कोशिश थी रिकवर करने की वो शायद बहुत ज्यादा ना हो पाई हो. लेकिन ये जो इलाका है यहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस जबरदस्त था. अब देखिए सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक वो मुद्दा है जो इन तमाम 9 जिलों के बीच में से जाता है. क्या कोई ऐसा मुद्दा है जो इन तमाम 9 जिलों की वोटिंग को अफेक्ट कर सकता है? और वो एक ऐसा मुद्दा है जिसकी चर्चा हमने दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखी, दैट इज द लखीमपुर इंसिडेंट. तारीख थी 3 अक्टूबर 2021, वो भयानक मंजर आप सबको याद होगा, सबने टेलीविजन स्क्रीन्स पर वो देखा है और सबने ये भी देखा है कि जहां पर एक्शन लेने की बात आई हमने देखा कि सरकार ने सही समय पर सही एक्शन नहीं लिया. बहुत सारे सवाल उठे, बहुत सारा प्रेशर उठा. यह भी कहा गया कि जो मंत्री हैं जिनका बेटा इस पूरे इंसिडेंट में इन्वॉल्व है वो क्यों बने हुए हैं अभी तक कैबिनेट में. फिर इस तरह की भी खबरें आई कि हो सकता है उन्हें रिजाइन करवा दिया जाए, हो सकता है इलेक्शन से पहले हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ही कंटिन्यूज टू बी अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट इवन नाउ, ही इज द MOS होम. अब बीजेपी को क्या लगता है कि उनको रिटेन कर उनको ज्यादा फायदा होगा? क्या यही वजह है कि उनको नहीं निकाला गया? या बीजेपी को लगता है कि ये मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है और इस पर लोग वोट करेंगे ही नहीं और इसलिए इनको हटाने की कोई जरूरत नहीं है? वो ब्राह्मण जाति से आते हैं, ब्राह्मण वोटों का जो तालमेल है ना उत्तर प्रदेश में, हम सबने उसको देखा है और उस पर चर्चा भी करी है कि उसमें भाजपा को इस समय थोड़ी दिक्कत हो रही है. तो क्या उसी वोट बैंक को अपने पास रखने के लिए भाजपा को लगा कि उनका इस्तीफा जरूरी नहीं है, उनको हटाना जरूरी नहीं है? और क्या वोटर्स को लगता है कि ये कोई इशू है या नहीं? और क्या इस एक इशू की जो रेजोनेंस है वो हमें इन तमाम 9 जिलों के इन तमाम सीटों पर नजर आएगी? देखिए लखीमपुर की बात करें तो यह सबसे बड़ा क्षेत्र है, यहां पर 8 विधानसभा क्षेत्र है, सबसे बड़ा जिला है ये. 8 out of 8 वॉज द बीजेपी स्कोर इन 2017. लेकिन उससे पहले अगर 2012 की बात करें तो सबको थोड़ा थोड़ा मिला था, थोड़ा बीजेपी को, थोड़ा बसपा को, थोड़ा सपा को, लेकिन 17 में ये सिचुएशन बदल गई. लेकिन क्या 2022 में ऐसा ही होगा या यहां से बदलाव की शुरुआत होगी? और क्या उस बदलाव की वजह टेनी पुत्र होंगे? टेनी पुत्र इस समय बाहर हैं, बेल पर बाहर हैं. अब भाजपा ये कहती है कि ये तो कोर्ट का प्रोसीजर है,
तो इसलिए आप इसको पॉलिटिसाइज मत करिए। अब ऑपोजिशन क्या कहता है, अखिलेश ये कहते हैं कि ये हरिड बेल है। उनका ये भी आरोप है कि क्यों सरकार ने ठीक से इस केस को परस्यू नहीं किया। वो ये भी कहते हैं कि इस केस को लेकर सरकार ने आगे चैलेंज क्यों नहीं किया ये वर्डिक्ट। लेकिन ये जरूर बात है कि जो परिवार वाले हैं जिन्होंने अपनों को खोया है इस वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में, उन्होंने अब जरूर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भाजपा ये भी कहती है कि ये जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं। वो बार बार ये समझती है कि ये एक मुद्दा नहीं है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बहुत क्लियर नैरेटिव बीजेपी की तरफ से आता है। दे ट्राई टू टेल अस दैट द लॉ एंड ऑर्डर अंडर द बीजेपी रिजीम राइट नाउ इन उत्तर प्रदेश इज फार बेटर देन व्हाट इट वाज अंडर द एसपी। अब देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो ये भी बात सच है कि बहन जी के अंडर भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बहुत अच्छी इमेज, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज बताई जाती है। लेकिन भाजपा कहती है कि उनके अंडर ये और भी बेहतर है। तो एक तो यहां से सवाल उठता है कि क्या ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में नहीं आता? जिस तरह यहां पर किसी तरह का एक्शन अभी तक मिनिस्टर साहब पे नहीं हुआ, टेनी पुत्र बाहर आ जाते हैं, क्या यहां पर इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज हुआ है? क्या कोई ये नहीं चाहता था कि इस पूरे केस को ठीक से इन्वेस्टिगेट किया जाए? क्योंकि देखिए, पीपल हैव डाइड, किसानों की मौत हुई है, तो क्या उन किसानों की मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है? क्या ये सवाल पूछना नहीं बनता? और दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो हमने उन्नाव का भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। वहां पर एक भाजपा के एमएलए थे मुकेश सिंह सेंगर, उनके ऊपर बलात्कार का आरोप था, लेकिन उन पर भी भाजपा ने जल्दी कोई कार्रवाई नहीं करी जब तक वो पूरा मामला कोर्ट तक नहीं पहुंचा। तो क्या वो भी एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की तस्वीर है जिसको लेकर भाजपा बात नहीं करना चाहती? और किसानों की अगर हम बात करें ना, तो ये जो तमाम जिले हैं जहां पर चौथे चरण में वोटिंग होगी, यहां पर 42 लाख किसान है, 42 लाख, 42 लैक्स, तो वो लोग किस हिसाब से वोट करेंगे? बिकॉज ये याद रखिए कि हर चरण में जो मुद्दे हैं, जो आम लोगों के मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वहां पर खुले पशुओं की बात हो, इसको लेकर आम लोग चर्चा तो करते हैं, लेकिन क्या इन मुद्दों पर लोग वोट डाल रहे हैं? और एक और बात बताइए, कई लोग ये भी कहते हैं कि सडनली कुछ नेताओं की भाषा बिगड़ने क्यों लगी है, और उससे क्या दिखता है? क्या उससे ये समझ आता है कि किसी न किसी तरह का दबाव है, कोई प्रेशर है? और अगर प्रेशर है तो उसी प्रेशर को डिफ्लेक्ट करने के लिए क्या इस समय प्लेबुक से अलग अलग ट्रिक्स का इस्तेमाल हो रहा है? तो क्या होगा चौथे चरण में, क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये है भाजपा की असली अग्नि परीक्षा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में, अपने जान पहचान वालों में प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक छोड़िए, बताइए कि ऐसे और कौन से इश्यूज हैं जिस पर आप चाहेंगे कि हम चर्चा करें, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर आप आगे बात करना चाहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग राइट नाउ, डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक।